हाय गाइस, दिस इज जियान। यू आर वाचिंग वर्क एट अवर जॉब विल। फ्रेंड्स, मैं लेके हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक और फ्री जॉब। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, मैं हर बार हर वीडियो में एक ही चीज बोलता हूँ आपको कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें, इसीलिए कि काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि वीडियो को जो है ना पूरा देखते नहीं है, इन्फॉर्मेशन पूरी लेते नहीं है और वो कॉल करने लग जाते हैं। फिर बोलते हैं कि सर अभी कौन सा जॉब चल रहा है उसका मुझे डिस्क्रिप्शन में जो है अच्छे से पूरा लिख के भेजिए, तो वो पॉसिबल नहीं होता। उससे क्या होता है पता है, आप अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं और हम लोगों का भी टाइम वेस्ट करते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सिर्फ काम करने वाले बंदे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर कोई आइए मेरे जो चैनल पे और जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो वीडियो देखिए, ऐसा नहीं है। जिसको काम की नीड है, जिसको जरूरत है काम की, बस वही कैंडिडेट्स वीडियो को पूरा देखें। पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही कॉल करें कि सर मैं ये जो आपका वीडियो देखा था, मैं ये काम करने के लिए इच्छुक हूँ या फिर ये काम करने चाहता हूँ, तो बताइए सर कैसे करेंगे। तब उसको क्या है कि एक्सप्लेन करने में मुझे और भी हम लोगों को मतलब अच्छा रहता है, नहीं तो फिर क्या है कि फिर अगेन वही बात मुझे हम लोगों को रिपीट करनी रहती है। तो गाइस, अगेन आप लोगों के लिए सिक्योरिटी लाइन में सिक्योरिटी फील्ड ऑफिसर की, फ्रेशर के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, दोनों के लिए ये जॉब। फ्रेशर के लिए स्टार्टिंग सैलरी, अब मैं स्टार्टिंग आप लोगों को सैलरी इसलिए बताता हूँ कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं कि वीडियो को स्किप करते हैं, सैलरी कहाँ बता रहे हैं सर जी, कहाँ कहाँ बता रहे हैं, तो स्किप करते 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 वो सैलरी सुनते हैं और वीडियो छोड़ देते हैं, फिर फ़ोन कर देते हैं। अंदर में जो फैसिलिटी क्या है और क्या मतलब उसमें क्राइटेरिया रहता है वो सब नहीं देखते हैं। तो इसलिए उन लोगों के लिए भी मैं पहले सैलरी ही बताता हूँ। तो फ्रेशर के लिए जिसको कुछ नहीं आता है उसके लिए सैलरी होने वाली है 15 से 18 हज़ार रुपया प्लस रूम फ्री। सिर्फ मेल कैंडिडेट्स और फील्ड वालों के लिए जिसके पास बाइक है, जिसके पास गाड़ी है, जो पहले सिक्योरिटी गार्ड का काम कर चुका है, हेड गार्ड का काम कर चुका है या फिर सुपरवाइजर का काम कर चुका है, कि वो कैंडिडेट चाहता है कि सर मैं और आगे करना चाहता हूँ या फिर मुझे हाई पोस्ट में चाहिए, तो उनके लिए मतलब जो 1 महीना 2 महीना सिक्योरिटी गार्ड करके छोड़ चुका है वो उनके लिए 15 से 18 हज़ार सैलरी। एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए 18 से 20 हज़ार सैलरी, 18 हज़ार से 20 हज़ार सैलरी प्लस रूम फ्री, जो 1 साल 2 साल काम कर चुका है उसके लिए। और जो मान लो ऑलरेडी कहीं पे सिक्योरिटी फील्ड ऑफिसर का काम कर चुका है या फिर मार्केटिंग का काम कर रहा है या कर चुका है, उनके लिए सैलरी 20 to 26 थाउजेंड, 20 से 26 हज़ार तक सैलरी प्लस रूम फ्री। अगर वो कैंडिडेट्स लोकल से है या फिर उसके पास खुद का रूम है या फिर फैमिली वाला है तो उसके लिए भी सेम सैलरी है, लेकिन उसके लिए जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट में क्या रहता है कि एक बार जब इंटरव्यू में आता है तो आमने सामने बैठ के बात होता है, उसमें जो है 1500 रुपये ऊपर नीचे होता है। तो लेकिन कहने का मतलब है सैलरी आपकी थोड़ी बढ़ती है। इसके अलावा कंपनी की तरफ से आपको पेट्रोल अलाउंस दिया जाता है, पेट्रोल जो है कंपनी की तरफ से ही रहता है, आपको जेब से भरवाने की जरूरत नहीं है पेट्रोल। इसके अलावा कंपनी जो है ईयरली बोनस देती है, हर साल जो एक साल में जो बोनस होता है, दीपावली बोनस समझ लीजिए या फिर होली का समझ लीजिए या ईद का समझ लीजिए, जो भी है कंपनी की तरफ से आपको ईयरली एक टाइम बोनस दिया जाता है। इसके अलावा कंपनी की तरफ से आपको ईयरली एक 20 to 25 डेज का आपको हॉलीडे दिया जाता है। कहने का मतलब आप 1 साल तक कंटिन्यू काम करते हैं बिना किसी छुट्टी लिए हुए, तो कंपनी आपको 1 साल के बाद में 1 महीने की छुट्टी फ्री देती है अकॉर्डिंगली टू योर सैलरी। आपकी जो सैलरी जो रहती है ना, मान लो 20 हज़ार सैलरी है तो आपका 20 हज़ार फ्री कंपनी की तरफ से, वो आपका मेहनत आना होगा, जो आप मेहनत करते हैं ना साल भर उसका आपको परिणाम क्या बोलते हैं ना उसको, फल जो बोलते हैं उसका, आपका मेहनत का फल, वो अगर आपकी सैलरी 25 हज़ार है तो आपको 25 हज़ार कंपनी की तरफ से ईयरली के बाद में 1 साल के बाद में छुट्टियां लीजिए, या फिर आप चाहिए तो सर मैं छुट्टियां नहीं लेना चाहता, मुझे जो है वो पेमेंट दे दीजिए, तो वो कंपनी देती है। तो कहने का मतलब है कि बहुत अच्छी फैसिलिटी है। इसके अलावा कंपनी की तरफ से आपको जो है ESI PF की फैसिलिटी रहती है। टाइमिंग की बात करूं तो टाइमिंग इसमें कभी भी फिक्स नहीं रहता है,
सिक्योरिटी लाइन में फील्ड वालों के लिए कभी भी टाइमिंग फिक्स नहीं रहता है। अगर आप मैनेज कर लेते हैं अच्छी तरीके से अपने फील्ड को, अपने यूनिट को, कंपनी की तरफ से आपके अंडर में 5, 6, 7, 8, 10 जो भी एक यूनिट दिया जाता है, कि 3 यूनिट या 3 अपार्टमेंट या 3 शोरूम या फिर जो भी XYZ, उसको संभालना है। मतलब उसकी तरफ से कंपनी में कोई भी कंप्लेन नहीं आना है क्लाइंट की तरफ से, तो वो सब आपको मैनेज करना रहता है। अगर आप अच्छी तरीके से फील्ड मैनेज कर लेते हैं, क्लाइंट को अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं, तो आपको जो है फील्ड में जाने की जरूरत नहीं रहती है। आप चाहे घर पे रह सकते हैं या फिर ऑफिस आके बैठ सकते हैं बस। तो कहने का मतलब है कि फील्ड मैनेजिंग का मेन चीज इसमें रहता है। कहीं पे मान लो जो है लड़का नहीं है, तो वहां पे आपको नया जो कैंडिडेट हायर करना है। कहीं पे जो कुछ इश्यू चल रहा है, तो उसको जाके सॉल्व करना है। सुबह शाम थोड़ी अगर शिफ्टिंग कर सकते हैं तो शिफ्टिंग रहता है। तो कहने का मतलब है कि काम इसमें फील्ड में रहता है, लेकिन टाइमिंग फिक्स नहीं रहता है। कभी कभार मान लो नाइट के टाइम भी कुछ इश्यू हो जाता है, तो आपको तुरंत जो है फोन ही आता है, तो आप उठ के जाना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप फील्ड को अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं, तो फील्ड में जाने की जरूरत नहीं रहती है। इसमें अगेन एक बार की बाइक कंपलसरी होना ही चाहिए। अगर कैंडिडेट्स के पास बाइक है, तो अप्लाई करें, कॉल करें। विदाउट अगर बोले कि सर मेरे पास बाइक नहीं है, मैं ये जॉब करना चाहता हूँ, तो वो कैंडिडेट्स इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं करें। तो गाइस, बहुत ही अच्छी, बहुत ही हेल्पफुल जॉब। वो डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो आप लोगों के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक जनरली जो है नॉर्मल चाहता है वो चाहता ही है। इसके अलावा अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है, अगर आपके पास जो है कहीं पे काम कर चुके हैं ना पहले, तो उसका कुछ अगर सर्टिफिकेट वगैरह है, तो वेल एंड बेटर। आपकी सैलरी में और भी इंक्रीजमेंट होता है। कंपनी वाले देखता है कि नहीं, बंदा यार कहीं पे काम किया है, अच्छा काम किया है, तो उसमें सैलरी आपका थोड़ा इंक्रीजमेंट होता है। एज लिमिट की बात करो तो मिनिमम तो 18 होना ही चाहिए, 18 से नीचे नॉट अलाउड। इसके ऊपर में आप 40, 45, 50 ईयर्स के हैं तो भी कंपनी लेती है। इसमें कहने का मतलब है कि एज लिमिट इसमें जो है मैक्सिमम फिक्स नहीं रहता है, मिनिमम फिक्स रहता है 18 साल। एजुकेशन की बात करूँ तो इसमें जो है आदमी पढ़ा लिखा थोड़ा होना चाहिए, इंग्लिश लेवल थोड़ा उसका अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश थोड़ा आना चाहिए। ज़्यादा ऐसा नहीं कि हाई फाई इंग्लिश जो है सिर्फ इंग्लिश ही बात करना, ऐसा नहीं है। हिंदी वाला भी चलेगा, लेकिन इसको जनरल जो इंग्लिश बोलते हैं ना हम लोग, जो क्लाइंट से बात करना, लड़कों लोगों से बात करना, मतलब थोड़ा जनरल जो है इंग्लिश हम लोग को कर रहता है, वो इंग्लिश उसको आना चाहिए बस उतना। गाइस, बहुत ही अच्छी, बहुत ही हेल्पफुल जॉब है आप लोगों के लिए। अगेन एक बार की जो है बाइक अगर पास है तो ही इस जॉब के लिए अप्लाई करें, अन्यथा नहीं करें गाइस। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी, बहुत ही हेल्पफुल जॉब आप लोगों के लिए। ये वीडियो आपके अपने फ्रेंड सर्कल में, आपके अपने रिलेशन में, आपके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। हम लोगों के पास में आप लोगों के लिए हमेशा की तरह फ्री जॉब है, फ्री जॉब रहता है, और आने वाले टाइम में भी हम लोग आप लोगों के लिए फ्री जॉब लेके आते रहेंगे। यही जॉब अगर आप अदर कंपनी में, अदर चैनल्स पे, या फिर अदर जगह में, या फिर अदर कहीं पे जो है एजेंसी में कहीं पे जा के ढूंढेंगे ना, तो आपसे जो है मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम 4,000, 3,000, 5,000 रुपये चार्ज कर लेते हैं इसी जॉब का, इसी काम का, जो हमारी कंपनी की तरफ से आपको बिल्कुल फ्री रहती है, बिना किसी ज्वाइनिंग चार्ज का, बिना किसी कंसल्टेंसी चार्ज का। कहने का मतलब है कि ऐसे ऐसे एजेंसी और ऐसे कंपनी भी है जो एडवर्टाइजमेंट करती बहुत बढ़ चढ़ के, हमारी कंपनी ये है, वो है, ये देती है, वो देती है, हमने लोग इतने सालों से हम लोग इतने कैंडिडेट्स को जॉब देते हैं, लेकिन एंड से या फिर लेकिन स्टार्टिंग में एक बात पैसे की करेंगे ही करेंगे आपसे। आपको बोलेंगे रूम दे रहे हैं, उसका चार्ज ले रहे हैं, रूम नहीं तो आपसे बोलेंगे कि हम लोगों का ज्वाइनिंग एक किसी रहता है, ज्वाइनिंग फॉर्म रहता है वो लेंगे, या फिर आपको बोलेंगे हम लोग कंसल्टेंसी फीस रहती है वो लेते हैं, लेकिन आपको वर्क एट आवर में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। मैं हर वीडियो में आपसे एक ही विनती करता हूँ, एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि गाइस उन लोगों के जो है झांसे में नहीं आए। आप लोगों को और भी बहुत सारी फ्री में जॉब मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके फ्रेंड सर्कल में एक बार शेयर जरूर करें। मैं ये नहीं बोलता एक बार कि जो है आप जो है मेरे वीडियो को या फिर देखना ही देखना, लाइक करना, ऐसा नहीं है। आपको लगना चाहिए ऐसा, रियल में लगना चाहिए, फीलिंग होना चाहिए कि नहीं यार सही में अच्छी कंपनी और फ्री में जॉब देती है। तो फ्रेंड्स, हम हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो कुछ एक और अच्छी जॉब अपडेट के साथ में, हेल्पफुल जॉब के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।